हे गाइस, आई एम मान्या एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मेरी ब्रेसेस जर्नी को सेकंड मंथ चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा मैं आप लोगों को अपडेट देती हूँ कि मेरे ब्रेसेस में जो मैंने खुद ड्रेस्टिक चेंजेस देखे हैं मेरे टीथ में, तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे जो, शायद अगर आप लोगों ने मेरा पहला वाला जो ब्लॉग देखा होगा, जब मैं फर्स्ट टाइम मैंने जो ब्रेसेस का ब्लॉग बनाया था ना, तब अगर आप लोगों ने वो वाला ब्लॉग देखा है तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा कितना ज़्यादा चेंजेस मतलब मैंने देखे हैं अपने टीथ में। तो दिखाती हूँ पहले मैं ये वाला, कि ये जो टीथ था ना, ये मेरा बिल्कुल अंदर की तरफ था और ये काफ़ी बाहर आ गया है ये वाला। ये तो अंदर ही था और अभी भी अंदर है, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ लगाए नहीं है ब्रेसेस तो। बट पहले उन्होंने, डेंटिस्ट ने कहा था कि पहले ये वाला साइड होगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ काम होगा। तो आप लोग देख सकते हो इजिली, मतलब यहाँ पर कितना ज़्यादा, मतलब ये पीछे जा चुका है बिल्कुल। देखा, अगर जैसे आप लोग उसको नोटिस करोगे ना, तो आपको एक चीज़, मैं आपको पूरा अपना टीथ का एक बार स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मतलब जो मेरे जो टीथ है ना, ये आगे से साइड से जो है, वो जो काफ़ी अलाइन से जो लग रहे होंगे, ये बेसिकली मतलब इस साइड जा रहे हैं सारे के सारे। तो वो देखो, तो शायद पहले ये टीथ साइड में आएंगे, तब ये टीथ थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा निकल कर, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। बट इसकी, इन टीथ ने इनको कवर कर रखा है, इस वाले टीथ को। और आज मैं ब्रेसेस का काम जो करवाने गई, तो मुझे डेंटिस्ट ने बताया कि आज आपके जो लोअर जो वाले जो टीथ हैं, उस पर भी ब्रेसेस लगने वाले हैं, एंड आई वाज सो एक्साइटेड। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो टीथ पर जो इस बार बैंड लगाया मेरा डेंटिस्ट ने अपनी मर्जी से लगा दिया था, तो उन्होंने जो है ये पिंक कलर का लगाया, क्योंकि शायद ये बबल गम कलर का है, तो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है ये वाला कलर, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे जो पहले था वो वाइट था, बट वो येलो हो गया था खाने पीने की वजह से। बट मुझे वो थोड़ा ठीक लगा था, इतना हाईलाइट नहीं था, बट ये मुझे दूर से पता चल रहा है कि हाँ भाई, मेरे ब्रेसेस के और पास ना ये पिंक कलर का कुछ है। तो और ये जो मेरे नीचे जो ब्रेसेस लगे हैं नीचे, आज तो मैं इसका ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाई, क्योंकि जब मैं डेंटिस्ट के गई थी तो उन्होंने बोला कि अगर आपके साथ कोई आया हो तो वो पर्सन ब्लॉग कर सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है, बट आप मत करो, क्योंकि इससे मुझे भी आपका काम करने में प्रॉब्लम होगी और आपको भी करवाने में काम प्रॉब्लम होगी। तो फिर मैंने सोचा, मैं प्लीज़ प्लीज़ मुझे कर रहे दो, बट उन्होंने कहा नहीं, तो मजा बहने दो। तो मैंने नहीं किया ब्लॉग, पर थोड़ी बहुत क्लिप हैं, बट मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी वहाँ पर, तो मैं आपको प्रोसेस तो नहीं दिखा सकती आज क्या हुआ। लेकिन हाँ, ये ब्रेसेस का जो वायर टाइटनिंग हुई थी मेरी, यहाँ चेंज हुआ था ये वायर आगे ये वाला, और नीचे ये लगे थे मेरी नीचे वाली टीथ में, तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि काफ़ी क्लीन भी करना पड़ा था उन लोगों को। ऊपर वाले टीथ पर जैसे मेरे ब्रेसेस लगे हैं, तब से थोड़ा सा नॉर्मल हो गई हूँ, मतलब मैं ब्रेसेस को लेकर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब लोअर जॉ पर लगे थोड़ा सा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मेरी टीथ में नीचे की साइड ना कुछ मेटल का कुछ लगा हुआ है, जो मुझे महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। मतलब मुझे अब मैं कुछ भी इससे खा नहीं पा रही हूँ अभी, तो थोड़ा अभी हैबिट में आएगा तब थोड़ा ठीक लगेगा मुझे, अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ा मैं बस व्लॉगिंग कर रही हूँ वहाँ से आने के बाद ही तुरंत। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाती हूँ अपने ब्रेसिस का, जो इस पर हुआ है मेरे साथ प्रोसेस। तो ये यहाँ पर सारा यहाँ तक लगा हुआ है, बट मेरे इस साल तीर्थ पर नहीं लगाया है इन्होंने, जो ये वाला है। अब मुझे नहीं पता उसका रीज़न क्या है, उन्होंने क्यों छोड़ा, वो ये जानते हैं डेंटिस्ट जो है यहाँ ऊपर, पर ऊपर वाले में लगाया हुआ है सारे हैं। और ये वाला टीथ का जो देख रहे हो आप लोग, कितना गैप क्रिएट हो चुका है यार, मतलब ये वाला टीथ मेरा अंदर की तरफ था और ये भी बाहर की तरफ आ गया, और उसके बाद भी इतना ज्यादा गैप क्रिएट हो चुका है। अगर मैं देखूं तो जो मेरी स्माइल में ये तीनों टीथ बिल्कुल अब अलाइन हो गए हैं, और ये वाला अब बाहर आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब आगे के जो जो होते हैं ना सिक्स टीथ का पूरा वो स्माइल होती है, तो एटलीस्ट मेरे सिक्स टीथ तो नहीं पता, बट हाँ फोर्थ टीथ तो मेरे अभी अलाइन हो जाएंगे, शायद जल्दी हो जाएंगे। डेंटिस्ट भी कह रहे थे कि आपके मतलब काफ़ी जल्दी मतलब चेंज हो रहे हैं ये, तो काफ़ी जल्दी मतलब अलाइन हो रहे हैं, शायद जल्दी प्रोसेस हो सकता है मेरा, लेट्स होप सो। मेरे टीथ में जो ड्रास्टिक चेंज मैं देख रही हूँ, और इसको देखकर मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं मेरा डेढ़ साल में ही ब्रेसेस का काम जल्दी ख़त्म हो जाए, बट मुझे लगता तो नहीं ऐसा होता है। बट फिर मेरा काफ़ी, शायद औरों का भी जल्दी जल्दी होता है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो खुद फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, तो मुझे मेरी फैमिली में किसी ने ब्रेसेस नहीं लगवाया अभी तक, तो मुझे पता ही नहीं ब्रेसेस के बारे में, शायद जल्दी होता हो तो पता नहीं। पर डेंटिस्ट भी कह रहे थे कि आपका जल्दी हो रहा है, आप जल्दी चेंज हो रहे हैं काफ़ी जल्दी, दो मंथ में मतलब मेरे ये इतना ज़्यादा चेंज आ गए, इतना गैप क्रिएट हो गए, हाँ से ये पूरा खाली हो गया पूरा इतना जल्दी। तो उनको तो ये था कि इसलिए उन्होंने सोचा कि आज तुम्हारे नीचे वाले टीथ हैं, मेरे ब्रेसेस वाला काम हो गया आज।
ऐसा लग रही हूँ मैं, ऐसा लगता है कि जल्दी से काम होता है, जल्दी से मैं अपने टीथ देखूं, जब मेरे अलाइन हो जाए वो वाले, कितनी अच्छी लगूंगी मैं इतने टाइम बाद। मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ फाइनली, मतलब मैं ब्रेसिस का जो मेरा प्रोसेस है खत्म हो जाएगा, तो मैं ऐसे हंस के फोटोज क्लिक कराया करूंगी। और पता है ब्रेसिस लगवाने से मतलब पहले मैंने आप खुद से मतलब एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या ब्रेसिस मतलब मुझे इतना मैटर करते हैं, या फिर आज से 5 साल बाद मुझे मैटर करेगा कि हाँ मेरी तीत अलाइन नहीं थे। जब मैंने ये चीज़ सोची और तो मैं खुद अपने इस आंसर से बहुत शॉक थी जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि इसका आंसर था हाँ मुझे मैटर करेगा, क्योंकि मैं बाकी के पूरी अपनी लाइफ क्या सिर्फ ऐसे ही बिना हंसे बिता दूंगी। तो मुझे ये था कि नहीं मुझे करवाना है यार। जैसे जैसे मेरे को दिमाग में आंसर आया ना, मेरा कहा यस मुझे करवाना है, तो बस मैंने उसके नेक्स्ट मंथ ही अपना प्रोसेस शुरू करवा लिया। अब मैं इंतजार कर रही हूँ उस वक्त का, जल्दी से मेरे ब्रेसेस सारे ठीक हो जाएं और मेरे टीथ सारे अलाइन हो जाएं, जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा फिर मैं हंसूंगी। वेट, हे गाइस, आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू शेयर विद यू। तो जब मैं आप लोगों से ब्रेसेस के बारे में बातें कर रही थी कि हाँ मेरा सेकंड मंथ का जो ब्रेसेस अपडेट मैं आपको दे रही थी, तो वो सारी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, एक्चुअली जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी तो वो मैंने डेंटिस्ट के वहां से आने के बाद की थी, तो तब तक तो बिल्कुल मैं ठीक थी। तो जब मैंने थोड़ी देर बाद जब मैंने आप लोगों से बातें की, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे लोअर ब्रेसेस की वजह से मेरा पूरा ही हाँ पूरे इस एरिया में अंदर साइड छाले पड़ गए थे, क्योंकि इन ब्रेसेस से मेरे होंठ पूरे छिल गए थे और अंदर से भी पूरा जो स्किन थी ना वो पूरी मतलब छिल चुकी थी बातें करते रहने से। और मेरा जो ये लोअर जो था ये पूरा एरिया, सिर्फ इतना ही नहीं यहाँ तक पूरा यहाँ और यहाँ से और इवन ये मेरे ईयर्स के पीछे साइड भी ऐसे इतना पेन कर रहा था, इतना एक्सट्रीमली पेन जिसे मैं बोलूँगी मतलब मैं रोना आ रहा था मुझे तो। और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो ये मैंने उसके 2-3 दिन बाद कर रही हूँ जब मैं थोड़ा बोल पा रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा पूरा मुंह छिल चुका था अंदर से, तो मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तो मैं 3-4 दिन मुझे हो चुके होंगे अब तक, तो मैं अभी रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। और मेरी हालत फिर से वैसे ही हो गई थी जब मैंने टीथ एक्सट्रैक्ट करवाए थे, तब मैं कुछ खा नहीं पा रही थी, तो बिल्कुल सेम हो रहा था मेरे साथ, मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। मैंने फिर से दलिया खाना शुरू कर दिया, ओट्स वगैरह ये सब चीज़ें, दाल चावल ऐसी चीज़ें मैं खाना शुरू कर दिया मैंने फिर से। तो मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि यार 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, और 2 साल तक मैं ऐसे नहीं रह सकती इस पेन के साथ में। और मुझे ऐसे रिग्रेट होने लगा कि यार सही फैसला तो लिया है ना मैंने ब्रेसेस लगा के, वो भी इस एज पर। तो इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ब्रेसेस की वजह से, और पूरे लोअर जॉ पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, तो रोना सहने लगा मुझे। तो मैंने फिर अपनी मसाज की यहाँ पर ऐसे कर करके, ऐसे लोअर जॉ पे सारा ऐसे रात को बैठ कर ऐसे मसाज करती रही मैं, क्योंकि मैं जैसे कुछ पढ़ती हूँ तो मेरे को थोड़ी सी आदत है मैं ऐसे बैठ जाती हूँ जैसे, या फिर यूँ बैठ जाती हूँ, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत पेन कर रहा था। और अभी भी मैं ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि पेन होने लग जाता है इसमें, इस सारे एरिया में। मैंने जब मसाज की ऐसे करके, तो मुझे लगा कि हाँ चलो मुझे पूरा ये पेन 2 साल तक नहीं झेलना है, तो मुझे एटलीस्ट सॉल्यूशन मिला कि हाँ मैं ये मसाज करूँगी तो एटलीस्ट मेरा ये ठीक हो जाएगा जो का जो पेन था। लेकिन जो मेरे छाले हो गए उसका तो कोई सॉल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कॉटन यूज़ करना शुरू किया। ये जो नीचे जाओ देखो थोड़ी सी पिन से निकली हुई है यहाँ से, ये तो ये जितना भी मैं बोल रही हूँ उससे मेरे टच होता है मेरी स्किन पर ही यहाँ, जिससे मेरे को मेरी स्किन को मतलब फाड़ के उसको छाला बना देती है पूरा। मेरे यहाँ से जो है गाल भी अंदर से पूरा छिला हुआ है यहाँ पे, इतना मुझे ऊपर वाले टीथ में लगवाने पे उतना नहीं हुआ था, इस इन चीज़ों से मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन नीचे वाले जॉ से मुझे ज़्यादा हो रही है इसमें। तो मैंने एक बार एक लड़की की वीडियो देखी थी, इंडिया की तो नहीं थी वो, बाहर की वीडियो थी, तो उसने बताया था कि हम जो जॉब में इतना पेन होता है ये होता है, तो मुझे लगा दैट गर्ल इज जस्ट एग्जेजरेटिंग द थिंग, इतना तो कहीं पेन नहीं होता, मैंने ब्रेसेस लगवाए हैं ऐसा करके मैं सोचने लगी थी। तो लेकिन मेरे जो है सिर्फ अपर जॉब पे लगे हुए थे ब्रेसेस, पर लोअर जॉब पर तो मैंने अभी लगाया ना यहाँ पे, तो इससे मैं सोचा थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर करूँ इस बारे में। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं मुझे, तो उनमें से एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं करवट लेके नहीं सो पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं करवट लेके सोती हूँ तो यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, और जब इस साइड सोती हूँ तो इस साइड प्रेशर पड़ता है, तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट सो रही हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगा पहले तो कि यार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या सबके साथ ही ऐसा होता है, तो जब मुझे ऐसा लगा तो फिर मुझे लगा कि यार फिर तो डेंटिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा इस बारे में, बट फिर पता चला कि यार सभी के साथ ही ये प्रॉब्लम होती है, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ ऐसा। तो अगर आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप लोग या तो सोच रहे हो ब्रेसेस लगवाने की, या फिर आपके ऑलरेडी ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो अगर आप लोगों को भी अगर ये पेन होता है तो डरने वाली कोई बात नहीं है,
क्योंकि थोड़े टाइम तक होगा फिर उसका ठीक हो जाएगा। बट अभी भी मैं ऐसे करके नहीं बैठ सकती हूँ और ऐसे पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं कर पा रही। कभी कभी मैं पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, क्वेश्चन को समझने लग जाती हूँ, तो मेरे को यहाँ पे दिक्कत होने लग जाती है यहाँ पे, ठीक है। और मेरे जो ब्रेसिस का जो प्रॉब्लम थी ना यहाँ पे जो छिल रहा था, तो उसका मैंने अभी कॉटन यूज़ कर रही हूँ उधर इधर साइड में। कॉटन में 2-3 दिन चेंज, मैं 2-3 बार चेंज करती हूँ एक दिन में, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ खाना होता है तो तब तक के लेके। लेकिन ये मैं हमेशा तो नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं कॉटन लगाती हूँ तो मेरा मुंह ऐसे बंद ऐसा हो जाता है, ऐसे मोटा हो जाता है, मेरा मुंह पूरा ऐसे फूल जाता है। तो घर के अंदर तक तो ठीक है, पर घर के बाहर तो मैं नहीं जा सकती हूँ ना ऐसे ब्रेसेस करके सारा कुछ। तो मुझे इसका एक सॉल्यूशन मिल चुका है, और पर वो सॉल्यूशन मेरे पास अभी आया नहीं है, मतलब ऑर्डर किया हुआ है मैंने, तो जब वो मेरे पास आएगा तब मैं आपको बता पाऊंगी कि वो है क्या और कैसे हमें वो इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए भी अब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, तो मैं उसमें बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोगों को अगर आप में से किसी को भी ऐसा जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है, वो अगर आप में से किसी को, तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना, शायद मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। और आपके ब्रेसिस से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, तो मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगी। या फिर अगर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना लूंगी बाद में। तो अगर आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और थैंक यू सो मच।